टारगेट पर हिंदू त्योहार, कौन है बहराइच का गुनहगार। गली से निकले तो गोली, शोभा यात्रा निकाली तो पथराव, डीजे बजाया तो भी इसी तरीके के दंगे लगातार सामने आते हैं। अरे दंगों की तस्वीरें कैसी होती है आपने भी देखा है। तो सवाल बस यही है कि टारगेट पर है हिंदू त्योहार, आखिर कौन है बहराइच का गुनहगार। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। तो जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से हिंसा होती है, हिंसा भड़क जाती है और हिंसा की आग में एक युवक, महज 22 साल का युवक झुलस जाता है, मौत हो जाती है, परिवार वाले अभी भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन, शनिवार जिस तरीके से यह हादसा होता है उसके बाद से परिवार वाले लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे हिंसा पर सियासत अपने उफान पर है, सियासी बयानबाजी की कोई सीमा नहीं है। किसी का बयान यह सामने आ रहा है कि आखिर डीजे क्यों बजाया गया, कोई यह कहता है कि कुर्सी नहीं संभाली जा रही तो मठ में चले जाए, इस्तीफा दे दीजिए। तो इस तरीके से लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है और हमेशा ही हिंदू के त्योहार को टारगेट किया जाता है और फिर इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आती है। चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश का दुर्भाग्य है कि हर मसले पर सियासत की जाती है। किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया, मात्र 6 महीने में ही किसी की मांग सुनी हो गई। प्रशासन की नाकामी की सजा जनता को अपने जान गवा कर चुकानी पड़ रही है, लेकिन इन सब पर सियासी बयानबाजी आग में घी की तरह काम कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इस बात की चिंता सता रही है कि आखिरकार डीजे पर बज क्या रहा था। जी, डीजे पर गाना कौन सा बज रहा था, अखिलेश ये सवाल उठाते हैं। कोई इस हिंसा पर उपचुनाव का रंग देने का काम कर रहा है तो कोई इस हिंसा पर सीएम योगी से इस्तीफा तक मांग रहा है। जमकर हिंसा पर सियासत हावी हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक परिवार से मुलाकात की, संवेदना दी और दुख बांटने की कोशिश की। बहराइच जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए 22 साल के युवक के परिजनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मुलाकात की। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचा। पीड़ित परिवार और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात के दौरान महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से मिल मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी के सामने पीड़ित माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे। नौजवान बेटे को खोने का दर्द और गम से जूझ रहे माँ बाप की आंखों में आंसू देखकर योगी आदित्यनाथ से रहा नहीं गया। मृतक राम गोपाल की पत्नी, माँ और पिता ने मुलाकात के बीच इंसाफ की गुहार लगाई और कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। परिवार ने ये भी कहा कि ये हिंसा प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई, तो साफ साफ परिवार बोल पड़ा कि प्रशासन की नाकामी ने उनका चिराग छीन लिया। पुलिस प्रशासन की नाकामी से ही बहराइच में हिंसा भड़की। प्रतिमा विसर्जन के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नाकाफी थे। हिंसा होने का कोई भी इनपुट नहीं था, यानी LIU फेलियर। हैरानी की बात यह है कि सोमवार को दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने में अफसर नाकाम साबित हुए, इसलिए दूसरे दिन भी बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। पूरे मामले में पुलिस का खुफिया तंत्र फेल रहा। पूरे घटनाक्रम में ADG जोन से लेकर IG और SSP बहराइच सवालों के घेरे में है। बहरहाल इस मामले पर सियासत खूब हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर है। वहीं सवाल ये भी कि क्या ऐसे मुद्दे पर सियासत करना क्या वाजिब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो लगातार हिंसा के इस मामले पर सियासत तेज है। सवाल यही है कि डीजे पर क्या कुछ गाना बज रहा था, इससे कैसे ये तय हो जाता है कि उस युवक की हत्या कर देनी चाहिए। सवाल ये भी कि क्या इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत करना वाजिब है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा, नेता हैं बीजेपी के, राज शर्मा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और पूजा मिश्रा,
समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं खेमचंद शर्मा जी, पुलिस प्रशासन की, यूपी पुलिस की वाहवाही, बड़ाई, तारीफों के पुल खूब बांधे जाते हैं। शोभा यात्रा हो, कोई भी यात्रा हो, हिंदू का कोई भी त्योहार हो, चूक कैसे हो जाती है? इतनी सुदृढ़ है, फिर नाकामी कैसी? नमस्कार, जय हिंद। आपको आवाज सही से आ रही है? देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक यूपी पुलिस और दूसरी तरफ से कट्टरपंथियों के द्वारा जिस तरीके से हिंसा की गई, तो यहाँ पे हम अगर पुलिस को बोले कि पुलिस दोषी है, पुलिस की वजह से ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल गलत है। पुलिस ने अपने प्रयास किए, लेकिन पुलिस को क्या पता था कि अगर एक एरिया में वहां से शोभा यात्रा निकलेगी तो पहले पत्थर फेंके जाएंगे, हिंसा की जाएगी। फिर अगर इलाका कौन सा था खेमचंद शर्मा जी, कौन सा इलाका था वो? वहां पे निवासी कौन है प्रशासन को ये पता नहीं, रूट कौन तय करता है प्रशासन खुद तय करती है, पता नहीं। एग्जाम देने जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि हम किस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन क्या वो इलाका भारत में नहीं है? हाँ, भारत में ही है। क्या वो इलाका उत्तर प्रदेश में नहीं है? बिल्कुल। क्या वो इलाके के लोग दूसरे जो पड़ोसी हिंदू हैं उनके साथ नहीं रहते? तो इस तरीके का क्या उस इलाके को छावनी बना देना, ये मान लेना कि वो सबके सब अपराधी, ये मान लेना कि वो सबके सब उग्रवादी, ये भी सही नहीं है। तो त्योहार में पुलिस प्रशासन एक्शन में ही होती है, क्योंकि आपको पता होता है कहीं भगदड़ ना हो जाए, किसी तरीके की कोई भी घटना ना हो जाए, ऐसे में पुलिस प्रशासन तैयार रहती है। खेमचंद शर्मा जी, आप साफ तौर पर कह रहे हैं प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है, वहां मृतक का परिवार कह रहा है। आपकी अनुमति है तो मैं कंप्लीट कर लूं? बोलिए। शब्द पे अगर आप सवाल जवाब करोगे तो बात कंप्लीट नहीं होगी। बोलिए। तो प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई है, कुछ ना कुछ कमी रही है, तो उस पर एक्शन भी लिया गया है, जो लोकल थाना में एक्शन लिया गया है, और आपने देखा कि अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन ये मान लेना कि भाई जहां मुस्लिम रहते हैं वहां से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, वो एरिया भारत का अंग नहीं है, उत्तर प्रदेश का अंग नहीं है, या वो लोग हिंदुओं के साथ नहीं रहते हैं, जब आपने कांवड़ यात्रा में देखा लोगों ने कहा कि भाई अपनी दुकान पे आप अपना नाम लिखिए, तो वो कह रहे थे कि नहीं ये सही नहीं है, आप एक्सपोज कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी, आप अपने त्योहारों में उनको दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, दुकान नहीं चलाने दे रहे। आज जब शोभा यात्रा निकल रही है तो हाँ, क्या फिर उस एरिया में से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? क्या वो पाकिस्तान बन गया? क्या वो बांग्लादेश बन गया? क्या वो अफगानिस्तान बन गया? वही तो भारत का अंग है, तो हम सब भारतीय हैं। तो पुलिस की तरफ से थोड़ी बहुत और सुरक्षा की जो हो सकती थी सुविधा, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं स्थिति अनकंट्रोल हुई। लेकिन मैं उन कट्टरपंथियों को दोषी मानता हूँ जिन कट्टरपंथियों ने पहले पत्थर फेंके, हंगामा किया। पूजा मिश्रा जी, दूसरी तरफ से युवाओं ने पाकिस्तान में नहीं रहते किया तो उनको मारा गया, दुर्गा विसर्जन, मूर्ति विसर्जन, कोई भी त्योहार पाकिस्तान में नहीं किया जाएगा। खेमचंद शर्मा जी, ठीक है, आप पूजा के पास जाना, पूजा जी के पास जाने से पहले सुन लीजिए, आपने बहुत इंटरवेंशन किया है। और दूसरे नंबर पे मैं उन पार्टियों को दोषी मानता हूँ जो सेलेक्टिव वीडियो डालती है, जो झंडा चेंज करने का वीडियो डालती है, ये नहीं बताते कि झंडा चेंज करने से पहले उसी घर से पत्थर फेंके गए, उसी घर से पूरा उपद्रव पैदा किया गया, उसी घर से शोभा यात्रा को रोका गया, उसी घर से जो भगवान का दिख रहे थे उनको खंडित किया गया, और उसके लेकिन झंडा चेंज करना दिखा दिया गया। फिर ना झंडा के बाद उसी घर में या उनके आसपास के लोगों ने उस बंदे को जिन्होंने झंडा चेंज किया था उसको वहां पर बंदी बनाया गया, पीटा गया, फिर उनको गोली चलाई गई, उसकी हत्या की गई, ये सारी चीजें दिखाई। तो वो पॉलिटिकल पार्टियां जो सेलेक्टिव वीडियो डालती हैं, आज ही मुस्लिम दृष्टिकोण की राजनीति करती है। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, जी क्या लगता है, हिंदुस्तान में दुर्गा विसर्जन नहीं होनी चाहिए, त्योहार नहीं मनाया जाना चाहिए, तो क्या पाकिस्तान में मनाया जाएगा? पूजा मिश्रा जी, और डीजे पे कौन सा गाना बज रहा था, ये मुद्दा हो गया? देखिए, मुझे लगता है नहीं नहीं, नहीं, नहीं रुकिए, पूजा मिश्रा जी, जात देख लेते हैं अपराधी में, खोज लेते हैं, क्या जात कौन सा है, धर्म कौन सा है, क्या है, हर चीज में एंगल ढूंढ लेते हैं आप लोग। डीजे पे गाना बजाने पर विवाद हुआ तो डीजे पे कौन सा गाना बज रहा था? अच्छा, गाना बजाने का इसकी ये सजा मिली है? कैसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि गाना कौन सा बज रहा था लाउड स्पीकर पर, ये देखने वाली बात है, क्या देखा जाए? अब बिल्कुल श्रुति जी, अगर जो है हिंसा भड़काऊ जो है गीत भी ऐसे बन रहे हैं कि गीत के वीडियो जो है, अगर आपको मुझे लगता है कि आपके पास में मुझसे ज्यादा बेहतर जानकारी होगी कि कौन से गीत बज रहे थे उसमें,
वो एक दूसरी बात हो गई। दूसरी ये पहली बात हो जाती है कि वहां पे प्रशासन कर क्या रहे थे। आपने कहा कि क्या पाकिस्तान में जाया था, नहीं पूरे देश में मनाया गया दुर्गा पूजा, पूरे देश में जो है दुर्गा विसर्जन का प्रोफेशन उठाया गया, सिर्फ वहीं पे दंगा क्यों हुआ, सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ? आज बनारस में उत्तर प्रदेश में इतने पुराने साल चला रहा है, छह से सात स्टेट में दंगा हुआ है, अब आप कंटिन्यू करें तो वो सारे जो है भाजपा शासित राज्य होंगे, ये भी श्योर होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा बता दीजिए। दंगा कर दिया जा रहा है, पथराव किया जाता है, क्या मानसिकता है? देखिए देखिए उस मानसिकता को बढ़ावा देना कि कौन सा गाना बज रहा था, ये तो सियासत की जा रही है साफ तौर पर। प्रशासन क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रही थी? अभी एक बलि का बकरा बना दिया गया, जिस ऑफिसर के हाथ में ऑर्डर देने तक का अधिकार नहीं, आप उसको निष्कासित कर देंगे और आपका जो काम हो जाएगा। हाथरस में भी आपने यही किया था, जिनके अधिकार क्षेत्र में ऑर्डर देने तक का अधिकार नहीं आता है, आप उनके ऊपर कार्रवाई करके ये शो करते कि नहीं हम कार्रवाई कर दिए हुए। श्रुति जी, जब जो है देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठ करके असंवैधानिक बयान देंगे, आप बताइए कटेंगे बटेंगे? कौन सा जो सौहार्द वाला बयान था पूजा जी, ये सौहार्द वाला बयान था पूजा जी? आप ये बताइए कि फेलियर को कैसे आप सरकार की तो अथॉरिटी है ना, ये प्रशासन किसकी है? सरकार की है। अगर प्रशासन फेल हो रहा है तो सरकार फेल हो रहा है। एक दिन पहले जो है दुर्गा विसर्जन प्रोसेशन में ये तरीके का हंगामा होता है, बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हंगामा करना चाहिए। आग में घी नहीं डालना चाहिए ना पूजा जी? घी कौन डाल रहा है? घी तो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप डाल रही हैं। जिस तरीके से आप का चयन किया गया है उतना ही तो फिर इस तरीके से गोलीबारी की जाएगी। ज्यादा फोकस कर रखे हुए हैं, प्लीज माइंड मत करिएगा। पर जैसे आपके सवाल आ रहे हैं, ये शो करते हैं कि सवाल इसलिए आ रहे हैं ना, सुन लीजिए पूजा मिश्रा जी, सवाल इसलिए है, ये जरूरी नहीं ना मैं आपके साथ बहुत मीठा बोलने आई हूँ, ना ही मैं खेमचंद शर्मा जी के साथ मीठा बोलने आई हूँ, बोलना तो मुझे यही है, सवाल पूछना मुझे यही है। एफसी से कहा गया था आपका सवाल पूछना चाहिए, पुलिस क्या कर रही थी वहाँ पे? तो क्या मैंने नहीं पूछा कि मुस्लिम बाहुल्य पूजा मिश्रा जी बाहुल्य क्षेत्र में जिस तरीके के आप तो नहीं चलाइए राज शर्मा जी, ठीक है राज शर्मा जी, व्हाट एवर यू वांट टू से, जो आप जो सुनना ही नहीं चाहती है बात जाएंगी, क्योंकि आपको जो सुनना ही नहीं है, आप चाहती हैं कि आप पूजा मिश्रा जी आपको पूरा वक्त दिया गया था बोलने के लिए, आप जवाब कहाँ सुनती हैं? आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास करती हैं। मैंने क्या, ये मेरे शब्द है? आप पता है कि मैंने कहा मेरे शब्द है, लाउड स्पीकर पे कौन सा गाना बज रहा था? पूजा मिश्रा जी मेरे शब्द है, मैंने बोला ये बात, आप पूरा शब्द नहीं बोली, बोले जांच होनी चाहिए, ठीक है? आप कोर्ट कर रही हैं, आप अपने फायदे की चीज उठा करके देख रही हैं। मैं बिल्कुल कभी, मेरी आदत है मैं कभी किसी पे कोई एलिगेशन लगाते, बट यू आर सो डैम क्लियर टू टारगेट रिलीजन अ पार्टी की बोलना पड़ जाता है मजबूरी में, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है ना, मैं बोलती हूँ, मैं मानती हूँ चलो ठीक है आप लोग का कार्य होगा आप ऐसे ही करते होगे, पर यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आपको पता था कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए थे, आपको कैसे जानकारी नहीं हुई? जब एक दिन इस तरीके का जो है माहौल बन गया तो दूसरे दिन फिर कैसे इतनी आग जली हुई, ये कैसे हो गया? ये इसके लिए जिम्मेदार जो है प्रशासन है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। जब जो है कावड़ की बात इसी बात पे इसी बात पे पूजा मिश्रा जी सुन लीजिए, मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, एक बच्चा जो बेवकूफ है, ठीक है, एक बच्चा को समझाया जा रहा है, बेवकूफ मतलब डिसेबल है, उसे मैं चिढ़ाने लगूं, कोई भी चिढ़ाने लगे, क्या होगा उस बच्चे की मानसिक स्थिति पे, क्या होगा बताइएगा? तो आप क्या कहना बच्चा और परेशान हो जाएगा, बच्चा और हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा पूजा जी, तो ऐसे में हाँ तो सुन लीजिए सुनने की भावना थोड़ी रखिए पूजा जी, सुन लीजिए, ऐसे में अगर ये स्थिति पनपेगी ना तो आप बच्चा को ग्रसित कर दीजिएगा। अगर बच्चा को मोटिवेट करना है तो ऐसी बातें करनी होगी जिससे हिंसा और ना भड़के, आग में घी नहीं डाला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, इसलिए ये सवाल पूछा गया कि टीचर पे आखिरकार कौन सा गाना बजा जाए, क्योंकि आप लोग पहले से सोच विचार करके रखे होंगे, आपकी पार्टी ने सोचा होगा कैसा गाना बजना चाहिए था, तब आपने सवाल नहीं किया कि नाम ही तो लिखा जा रहा था, तब आप मुझसे पूछ रहे थे नाम ही तो लिखा जा रहा था, वही तो नफरत के बीच बोल जा रहे थे, तब पूछना चाहिए था, जब वहां पे नाम लिखने की राजनीति जब चल रही थी कि कावड़ यात्रा इतने सालों से चलते सौहार्द चलता है, तब आपने नहीं पूछा, जब कटेंगे बटेंगे तब पर एक झूठी तो कहने के लिए किया जा रहा था, क्यों नहीं सवाल पूछा? जब जहर बोएंगे आप तो फिर अभी तक हथियारों को कंडम नहीं किया है, पूजा जी ने अभी तक गोली चलाई है तलवार चलाई है उनको कंडम नहीं किया है, आप कह रहे हैं
ठीक राज शर्मा जी, ये हिंसा हुई, इसे पहले नहीं रोका जा सकता था? इसे बिल्कुल रोका जा सकता था। यहाँ पे इनका एलआईयू तंत्र, पीस पार्टी जो बनती है, समितियां बनी होती हैं, छोटे छोटे आई कार्ड बता दिए होते हैं, पुलिस को दिखा के बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, दरोगा जी के साथ में बैठते हैं। अगर वो सक्रिय होते, इनका प्रशासन सही होता, इनकी इंटेलिजेंस चुस्त जो दुरुस्त होती, तो इसको टाला जा सकता था। अभी खेमचंद जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, मैं इनकी बात की तारीफ करूंगा, वो कोई पाकिस्तान नहीं है, मगर मेरे भाई काश ये दिल से तो सोचा होता तो ये हादसा टाला जा सकता था। हमें उन लोगों को ढूंढना है श्रुति जी, हमें उन पार्टी को ढूंढना है जो छोटे छोटे बच्चों को धर्म के नाम पे मर्डर करवा दे रही है। आखिर उस 22 साल के लड़के का कसूर क्या था? वो तो 22 साल की उम्र ही क्या होती है जिसको मार दिया गया? वो मैं कुछ नहीं जानता खेमचंद जी, किसने किसको घेरा, मैं ये जानता हूं कि उस लड़के की एक वीर वायरल हो रही है वीडियो कि एक झंडा हरा उतार रहा है और भगवा पहना रहा है। मैं आज एक बात आपके चैनल से कहता हूं, शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, मुसलमान के जुलूस को भी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो हिंदू के घर पे आग लगा दे, और हिंदू के जुलूस को भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो मुसलमान बोला नहीं पहले मेरी बात सुनिया अधिकारी जाते हैं उसी आप लोग चाहते हो एक भी छोटी जी मेरी बात 3 सेकंड सुनिए। देखने की बात यह है कि इस हिंसा से आखिरी पायदान पे किस पार्टी को फायदा होता है। देखने का मोटो ऑफ मर्डर मोटो ऑफ एक्शन, ये देखने का विषय है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इस भारत की, देश की, उत्तर प्रदेश की नए युवाओं से कहना चाहता हूं, सुबह जाओ बेरोजगार बनाने की आपने लड़का मरा दिया। अरे उनके बड़ा शर्मा जी उनके आ जाएगी, झंडा लिया है
जवाब दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पन्ना प्रमुख है आप उनको धार्मिक हिंसा लाने की कोशिश कर रहे हैं इससे ज्यादा विरोधियों को काम रहेगी याद रखना उन्होंने यात्रा को अवरुद्ध किया और उसके बाद तो किसका हाथ होगा की जरूर मार देगा आपको कसम है मैं भी गुस्सा उठाया उसका मतलब हिंदुओं को थाना प्रमुख कह रहे हो आप तो सिविल वार कराने की बात कर रहे हो कि वो हिंदुओं को नजर नहीं जाना चाहिए था अगर उनके जिला पंचायत सदस्य बातें कर रहे हो आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करती की बात करती है बनाने की मशीन बने क्योंकि वो विशेषज्ञ से आते हैं ठीक है आत्मा झकझोर जाएगी पूजा जी शर्मा जी आती ठीक है शर्मा जी बेटा हो पन्ना प्रमुख तो बताओ पूजा जी बेटे को पन्ना प्रमुख बनाओ किस मानसिकता के बेटे को यात्रा लेने आखिरकार हिंदुस्तान में बात करें आखिरकार किस मानसिकता के लोग हैं जो पथराव करते हैं क्योंकि पत्थर तो पहले से लाए गए होंगे ये जो पेट्रोल बम है तैयारी तो पहले से की गई कैसे ये मानसिकता पनप रही है अगर श्रुति जी आप कह रहे हैं कि तैयारी पहले से की गई हुई थी तो इसका मतलब है कि जो है एलआई का फेलियर है अगर ऐसे लोग हैं तो वो क्रिमिनल हैं एलआई का कार्य क्या होता है कि आपको पता है प्रोसेशन जाना है वहां पे और अगर प्रोसेशन नहीं भी जाना होता तब भी एलआई का कार्य तो यही है ना श्रुति जी कि कहाँ पे इस तरह की गतिविधियां हो रही है उसकी जानकारी रखना अगर ऐसे कहीं पे हो रही तो वो तो अपराधी है अगर ऐसा कोई हरकत कर रहा है ये कहां तक सच है कहां तक गलत है पर ये अपराधी है ये तो आपका फेलियर है ना हम तो यही कह रहे हैं कि फेलियर आपका हो रहा है हमारी एनआईए नॉर्मली काम करता है जहां उग्रवादी सक्रिय हो उग्रवादी घटना हो ये जो लोकल क्रिमिनल्स हैं जो धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं धार्मिक कट्टरपंथियों को फॉलो करते हैं और जिनको समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां जिनको सह देती हैं उनकी वजह से उनकी हिम्मत हुई कि अपने घर पर पत्थर रखें पेट्रोल बम रखें और यात्रा को अवरोधित करें एनआईए अगर हर गांव में आप ऐसी बातें एनआईए टॉप एजेंसी है जो नॉर्मली यहाँ पे अपराधी भगवान में तब्दील हो जाती है हिंसा में तब्दील हो जाती है प्रशासन तब तक सोया रहता है कहीं तो जागना चाहिए था इनपुट में कमी थी प्रशासन ने अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में वहाँ काम किया चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं और हो सकते अरे तो फैलाना चाहते हैं थाने ने नहीं लिए उन पर कार्रवाई भी हुई है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तुरंत यूपी पुलिस ने वहाँ पे जो भी कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाए हैं और मैं आपको आपके टीवी के माध्यम से समस्त जनता को बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी अपराधी को छोड़ेगी नहीं किसी भी हत्यारे को छोड़ेगी नहीं उसको इस तरीके से की कोशिश कर रही है अपराधियों को मदद कर रही है और जो उनको गलत सिद्ध करने में लगे हुए हैं मैं ऐसी पार्टियों को धिक्कार कहता हूँ कि जो मारा गया है उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय
आप उसी को अपराधी बनाने से तुले हो, जिन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने यात्रा को अवरोध किया और वो हत्या करते हैं उनके बारे में एक कभी नहीं बोलते। इससे ज्यादा कांग्रेस में समाजवादी पार्टी और एक्सपोज नहीं हो सकते। जनता देख रही है, जनता रहने लगी। जो ऐसे हरकत है वो कल्पित है, जैसे हल्की हरकत की है वो क्रिमिनल है। हमने क्या बोला कि एलआई को क्या जानकारी रखनी थी? अभी जो है खेमचंद जी बड़ी बातें करते कि इनका ये नहीं होता वो नहीं होता। मैं शासन अध्यक्ष थी और एलआई का फोन मेरे को बार बार आता था कि कब आपको निकलना है, कब नहीं निकलना है। वो बोलेंगे अभी शूटर आ रखे, आपको नहीं निकलना है, आप जाएंगी तो उस थाने में खबर करेंगी कि आप उस थाने क्षेत्र में है। तो एलआई को तो मैं जाने कितनी चीजों को खबर रहती। मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रही हूँ, बस मैं इतने बता रही हूँ कि ये मत बताइए कि उनका काम कहाँ कितना डिफाइंड है। उनका कार्य ही यही है कि कहाँ पे क्या गतिविधि चल रही है, छोटे से गांव में चल रही हो, बड़े से गांव में चल रही हो, कहीं पर प्रशासन के द्वारा तय की गई है। हेमचंद जी पलरा नहीं झाड़ सकते तो पता ही नहीं आखिरकार योगी के राज में धंधा क्यों हुआ, और जवाब तो आपको ही देना होगा। हम तो जवाब दे रहे हैं, जो कल्पेट है छोड़ेंगे नहीं। आप जवाब दे रहे हैं, आप विपक्ष पार्टी से देखिए, विपक्ष कुछ निर्दायक बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम दुखी नहीं हो रहे हैं। मारा जाता है जिसकी हत्या होती है उसी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, हिंदुओं को ही डिफेंड करने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कविता गाना भजना चाहिए था, पहले पूछना चाहिए था, उनका भजन भजन होना चाहिए, वो पूछना चाहिए था। और आप पत्थर देख रहे हैं तो कोई आपको जवाब नहीं देना, आपको डिपेंडेंट नहीं करना, आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर गड्ढे आपके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, आपकी यात्रा को रोका जा रहा है, तो आप उसे जवाब नहीं देना। जवाब देंगे तो हत्या होंगी, हत्या कर दिए लोग सही है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने जो अपनी जरूरतों लोगों के सामने ला रही है, ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने ये राम भक्तों को रेलवे करवाई थी। ये अपीजमेंट की कांग्रेस के तहत मुस्लिम पक्ष की राजनीति करती है, अगर भी मुस्लिम पक्ष की राजनीति है, छत्रपंथी पक्ष की राजनीति है, वही राजनीति ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। उसी पार्टी वो जो है आपको ले जाएगी। जी सुधीर जी, वोट बैंक की राजनीति की जाती है और राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, कोई वोट बैंक के लिए सिर्फ वोटों के लिए इस तरीके की बयानबाजी भी सामने आती है। क्या डीजे में बजाना चाहिए, क्या नहीं बजाना चाहिए, श्रुति जी आप अगर कोई बहुत सारे ऐसे सॉन्ग आपको भी जानकारी होगी जो किसी को ललका ही रहा होता है, किसी को गालियां ही दे रहा होता है, आपको नहीं पता है क्या ऐसा सॉन्ग है कि नहीं है? तो ऐसा क्या सॉन्ग बजाएंगे आप? ये तो किसी को परमिशन नहीं है ना, तो जो है हिंदू को बजा सकता है ना, मुझे बजा सकता है ना किसी को? फिर गाने के बात आ गई, पत्थर के बात नहीं आ रही है। देखिए ना, जब गाने गाने दे रहा था तो नहीं नहीं जी, मैं जस्टिफाई कर रही हूँ। मैं जस्टिफाई कैसे कर रही हूँ कि गाना बजाया गया, मैं जस्टिफाई किए गए, नहीं मैं जस्टिफाई नहीं, मैं जस्टिफाई कर रही हूँ ना कि कैसे गाने बजाए जाते हैं। श्रुति जी आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मुझे बहुत सारी बातें हैं जिससे आप पता होगी लेकिन किसी के हाथ क्या बना की जा सकती है। मैं नहीं आ सकते हैं, जस्टिफाई नहीं करूँ मैं कभी भी, गलत ना जस्टिफाई किया जा सकता है। जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो इन शब्दों का सही करना करने से पता तो सोचूं कि गाने बजाने की बात आई कहां से? भजन तो कौन सा भजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना भजन होना चाहिए, होना चाहिए, उस पे आपको शर्म आती है या नहीं आती? आप लज्जा फील करते हैं निकलती राज शर्मा जी, पूजा मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो मामूली से डीजे बजाने को लेकर कहा सुनी होती है, जिसके बाद एक युवक की गोली लगने से मौत हो जाती है, जिसके बाद से सियासत भी तेज है। और अब डीजे पर कौन सा गाना बज रहा था इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की कार्रवाई पर ही उठ रहा है। ऐसे में आज मृतक के परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, कई मांगों को भी रखा, साथ ही ये भी कहा कि उन्हें केवल और केवल इंसाफ चाहिए। इंसाफ कब तक मिलता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया पोस्ट।